नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें खबर हरियाणा से। हरियाणा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें जांच एजेंसी ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने पवार को अवैध खनन के मामले में ये कार्रवाई की है। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सिन्हा ने निजी कारणों से ये इस्तीफा दिया है। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी मर्डर केस में 3 और आरोपी गिरफ्तार। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के पिता की हत्या मामले में दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी हत्याकांड में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब तक पूरे मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी आज करेंगे जम्मू का दौरा, टॉप कमांडो के साथ करेंगे बैठक। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। सेना के जवान आतंकियों को चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी आज जम्मू का दौरा करने वाले हैं। वे टॉप कमांडो के साथ बैठक करेंगे और आतंकी घटनाओं को लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। एलजी के प्रधान सचिव ने लिखी चिट्ठी, केजरीवाल पर लगाया कम कैलोरी लेने का आरोप। आपको बता दें दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव ने सीएम अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने जेल में तय डाइट प्लान का पालन नहीं किया। 6 जून से 13 जुलाई तक उन्होंने उचित खुराक नहीं ली, जो जानबूझकर कम खाना खा रहे हैं। इसी वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। लगातार खबरों में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।